Hey guys, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट पे. और आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन. आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, नहा धो के करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए रेडी होंगे. चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की. थोड़ा सा मुझे वॉल्यूम का फीडबैक दे दीजिएगा कि आप वॉल्यूम ठीक आ रही है मेरी. थोड़ा सा वॉल्यूम की कंप्लेन भी है बच्चों की, तो मुझे प्लीज एंड प्लीज इसके बारे में बता दीजिएगा, ठीक है? चलिए तो मैं शुरू करता हूँ. तो गाइज अभी 9:30 पर हम फिर से मिल रहे हैं फॉर द LIC मॉक टेस्ट, और उसके बाद हम बात करेंगे 1:30 पे फॉर द इंश्योरेंस अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस. साउंड लो है? नहीं ऐसा मत कहो आरती बेटा, साउंड ठीक होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज. तो आप मुझे अनअकैडमी प्लस पर भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आजकल वहां पर फ्री लेक्चर्स भी ले रहा हूं और मेरे पेड कोर्सेज भी शुरू हो चुके हैं. तो IBPS क्लैरिकल मेंस का मेरा लेटेस्ट बैच 19th, आज 18th हो गया ना, कल से स्टार्ट हो रहा है. एनरोलमेंट ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया है, बिकॉज मेरी क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं ये आपको पता है. और GA 50 नंबर की आएगी फॉर द IBPS क्लैरिकल मेंस. तो गाइस इसके लिए आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन होना चाहिए. डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, लॉग इन कर लीजिए. और उसके बाद गाइस अनअकैडमी को आपको फॉलो करना है, बिकॉज यहां पर आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप कहां पे हैं. बिल्कुल घर जैसा एटमॉस्फेयर, घर में ही रहना है आपको और घर से ही पढ़ना है. और सिंपल सी बात है गाइस कि अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो या किसी भी कोचिंग में जाते हो, आप फीस इतनी पे करते हो लेकिन आपके पास ऑप्शंस बड़े कम होते हैं. तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर गाइस इतने सारे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, और आप जब पेमेंट करते हैं तो सबके कोर्सेज आपके लिए ओपन हो जाते हैं. यह सबसे अच्छी बात है. और अगला टारगेट हमारा क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO मेंस. और आप याद रखिए कि केवल आपके पास 5-6 महीने हैं. तो अनअकैडमी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज कंपटीशन काफी टफ होने वाला है. तो ये है अनअकैडमी का फ्री स्ट्रक्चर. तो अगर आप 12 महीने के लिए, कम से कम 12 महीने के लिए आपको ज्वाइन करना चाहिए. अगर आप 12 महीने के लिए अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं तो गाइस इसकी फीस आपको 6000 पे नहीं करनी है. इसकी फीस आपको AM लाइव कोड अगर अप्लाई करेंगे तो इसकी फीस कम होकर 5400 हो जाती है. इतनी फीस तो आप ऑफलाइन में भी पे कर देते हो, कोई फायदा आपको होता नहीं उससे. मैं एक साल क्यों बोल रहा हूं गाइस, क्योंकि देखिए पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम्स होंगे, देन IBPS, देन RRB, उसके बाद आप क्वालिफाई हुए तो आपके मेंस के एग्जाम्स होते हैं, देन ब्रिटेन के. तो आप बार बार एडमिशन नहीं लोगे ना, आपको फीस ज्यादा पड़ेगी. तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए AM लाइव कोड के साथ. आरती थैंक यू सो मच. तो ये कर लीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो. गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर. आगे बढ़ेंगे गाइस और अब बात करेंगे AM लाइव कोड की. ये मेरा कोड है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा. इससे एडमिशन लेने पर आपको डिस्काउंट मिलेगा. और हमारे पास 2 साल का मॉडल भी है उन सारे बच्चों के लिए जो कि अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं. 2 साल के लिए आपको सब कुछ फ्री मिल जाता है. और अगर आप AM लाइव कोड से एडमिशन लेंगे गाइस तो आपको ये और डिस्काउंट हो जाएगा, और ये 8640 रुपए का ही पड़ेगा आपको. चलिए तो शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स. और डेट हमारी क्या है, डेट हमारी है 18 दिसंबर. चलिए तो आइए पहले पॉइंट की बात करेंगे. फर्स्ट पॉइंट हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स. कल थोड़ा टाइम नहीं मिला बिकॉज एक तो पहले मेगा सेशन, उसके बाद मेरा प्लस पर क्लास थी कैपिटल मार्केट की. तो मतलब 12-1 बज गए वहीं पर, और फिर सुबह उठ के बनाया CA, तो जितना बन पाया वो आपके सामने रहेगा. ठीक है तो CA की बात करते हैं. सबसे पहले हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, और स्पोर्ट्स में हम कुछ अवार्ड की बात भी करेंगे, और हम बात करेंगे स्मृति मंधाना की. स्मृति मंधाना, इनके बारे में अगर बात करें तो स्मृति मंधाना नेम्ड इन बोथ ICC वनडे इंटरनेशनल एंड T20 टीम ऑफ द ईयर. तो अभी ICC ने अपनी महिलाओं की एक लिस्ट निकाली है, और उसमें वनडे ODI मतलब ODI टीम की लिस्ट निकाली है, और T20 की लिस्ट निकाली है, मतलब दुनिया भर की टीम में खेलने वाली जो अच्छी फीमेल क्रिकेटर है उनको एक टीम में शामिल किया गया. आइए आपको हम दिखाते हैं. इसके बाद कुछ अवार्ड भी बांटे गए हैं, हम उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे. तो पहला पॉइंट हमारे सामने देखें तो इंडिया ओपनर स्मृति मंधाना, सब लोग इनको जानते हैं, हैज बीन नेम्ड इन द बोथ ICC ODI means वन डे इंटरनेशनल एंड T20 टीम ऑफ द ईयर. तो ये वन डे टीम में और T20 टीम में एक साथ चुनी गई. ठीक है तो एक पॉइंट आपके सामने ये. दूसरे पॉइंट की बात करें, एकम्पेनिंग मंधाना इज झूलन गोस्वामी, पूनम यादव एंड शिखा पांडे, इन लोग को भी वन डे इंटरनेशनल टीम में जगह मिली है, और जबकि दीप्ति शर्मा को T20 में जगह मिली है स्मृति मंधाना के साथ. यानी स्मृति मंधाना अकेली भारतीय क्रिकेटर है जिनको वन डे इंटरनेशनल टीम में भी जगह मिली है और T20 टीम में भी जगह मिली है, ये आपको बताया जा रहा है.
तो स्मृति मंधाना वाला पॉइंट ज्यादा है, आप चाहे तो ये सब पॉइंट स्किप कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट नहीं है। तो स्मृति मंधाना को दोनों टीम में जगह मिली है, पहली इंफॉर्मेशन आपके सामने है। और दूसरी इंफॉर्मेशन की बात करें तो आईसीसी अवार्ड 2019 डिस्ट्रीब्यूट किया गया, आईएस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये अवार्ड किसको मिला? ये अवार्ड मिला एलिस पेरी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। आईसीसी वुमेन टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? ये भी एलिस हैली को मिला, ये भी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। तो एलिस पेरी, एलिस हैली, कंफ्यूज नाम में नहीं होना। एक को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और एक को टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। आईसीसी वुमेन एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है चानिदा सुथरी रुंग, नाम थोड़ा टफ पड़ेगा, ये थाईलैंड से है। अच्छा, उसके बाद क्या है, देखिए एलिस पेरी को एक अवार्ड और मिला है, एलिस पेरी को एक अवार्ड और मिला है, और वो अवार्ड कौन सा है देख लीजिए, तो रिचल हाईहोन फ्लिंट अवार्ड फॉर आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, एक अवार्ड मिला है। और लास्ट देखिए आईसीसी कैप्टन ऑफ द वुमेन्स ओडीआई टीम ऑफ द ईयर, तो ये मेग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया की है, इनको मिला है। तो ये सारे अवार्ड हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं आईसीसी अवार्ड 2019। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आईसीसी कैप्टन ऑफ द वुमेन्स टी20 टीम ऑफ द ईयर, तो ये भी मैग लैनिंग को मिला है, मतलब जो मैग लैनिंग है ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन भी है, तो इनको ओडीआई टीम की कैप्टन भी बनाया गया इनको, और इनको टी20 टीम का भी कैप्टन बनाया गया। ठीक है, तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जिसके बारे में हमने बात की आपके सामने। हाँ अरविंद, वो भी है एग्जैक्टली में क्या होता है ना कि ये जो आप बताते हैं रैंकिंग, तो रैंकिंग जो होती है ना वो हर एक महीने पे चेंज हो जाती है, तो आपके एग्जाम में इसीलिए क्वेश्चन नहीं आते, वरना आप आंसर दे नहीं पाओगे कौन सी रैंकिंग पूछी गई है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। ये देखिए, ये है आईसीसी वुमेन ओडीआई टीम ऑफ द ईयर इन बैटिंग ऑर्डर। तो स्मृति मंधाना इंडिया से हैं, जिनको जगह मिली है आईसीसी वुमेन ओडीआई टीम ऑफ द ईयर, और शिखा पांडे को मिली है जगह, और झूलन गोस्वामी को और पूनम यादव को जगह मिली। और अगर हम बात करें आईसीसी वुमेन टी20 ऑफ द ईयर, तो स्मृति मंधाना को जगह मिली है, दीप्ति शर्मा को जगह मिली है और राधा यादव को जगह मिली है, तीन लोगों को जगह मिली है। हालांकि ये सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि स्मृति मंधाना को दोनों टीम में जगह मिली है, और आईसीसी अवार्ड जो आपको बताया गया वो आपको पढ़ना है, और ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए, तो स्पोर्ट्स में हम बात कर रहे थे, ये पॉइंट हमारा हो गया, आगे बढ़ेंगे और अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। और अपॉइंटमेंट में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे नालको की। तो नालको कंपनी की हम बात कर रहे हैं, श्रीधर पात्रा अपॉइंटेड सीएमडी ऑफ नालको। तो श्रीधर पात्रा को नालको के सीएमडी के रूप में अपॉइंटमेंट मिला है, एक पॉइंट ये है, ये आपको याद रखना है। श्रीधर पात्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर मीन सीएमडी ऑफ नालको ऑन दिसंबर 16। तो एक पॉइंट आपके सामने ये, दूसरा पॉइंट आपके सामने ये है कि पात्रा इज करेंटली पोस्टेड एज डायरेक्टर फाइनेंस इन द नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, यानी ये नालको में ही काम कर रहे हैं और डायरेक्टर की रैंक पे काम कर रहे हैं, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट, लेकिन अब ये सीएमडी हो जाएंगे नालको के। तो आपके सामने गाइज, अगर और नालको की बात करें तो नालको एक बार समझ लीजिए, नालको नवरत्न कंपनी में आता है और सरकारी कंपनी है, ये बेसिकली माइनिंग मेटल्स और पावर इंडस्ट्री में वर्क करता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो नालको का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में। ठीक है, ये नालको के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। चेयरमैन एमडी कौन बन गए हैं, श्रीधर पात्रा बन गए हैं, और नालको में भारत सरकार का 52% शेयर है, यानी नालको एक पब्लिक सेक्टर कंपनी तो है लेकिन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी है, मतलब कि इसके शेयर बिकते हैं शेयर मार्केट में, इंडियन गवर्नमेंट का शेयर 52% का है इसमें। नालको के बारे में हम बात कर रहे थे, तो श्रीधर पात्रा वाला पॉइंट हमें कंप्लीट हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, और ये तो न्यूज आप लोग जान ही गए हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने, एमएम नरावने, नेम्ड एज द नेक्स्ट आर्मी चीफ। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने जो है ये अगले सेना प्रमुख के रूप में नामित किए गए हैं। आइए देख लीजिए, तो मुकुंद नरावने एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और ये वाला पॉइंट आपको ध्यान देना, ये 28th आर्मी चीफ बनेंगे, ये 28वें आर्मी चीफ बनेंगे हमारे देश के। मुकुंद नरावने की बात कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, 28th नंबर के ये आर्मी चीफ बनेंगे। ये किसको रिप्लेस करेंगे, तो हम सब जानते हैं ये रिप्लेस करेंगे जनरल बिपिन रावत को, और जनरल बिपिन रावत हमारे क्या बन गए हैं, तो आपको पता ही है ये हमारे क्या बन गए, क्या बन गए, ये हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं ये हमारे, ध्यान दीजिएगा। तो बिपिन रावत की जगह पे नरावने जी बनेंगे, तो ये भी पॉइंट आपको याद है। ठीक,
हाँ सीडीएस बन गए हैं ये, ठीक है बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं कुछ अपॉइंटमेंट की दिसंबर मंथ की, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक लिस्ट दी है, हालांकि ये लिस्ट मैं आपको कल टेलीग्राम चैनल पे दे चुका हूं, और मे बी आपने याद किया होगा, मैंने आपसे बोला भी था। जैसे देखिए एयर मार्शल डी चौधरी, ये पॉइंट मैंने पढ़ाया नहीं, नया पॉइंट है। तो एयर मार्शल डी चौधरी ये न्यू कमांडर कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज बने, एयर मार्शल डी चौधरी न्यू कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज, एक पॉइंट आपको ये लर्न करना है। दूसरा देखिए, ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, रिचर्ड वेंचर, ये भी कल की न्यूज है। तो रिचर्ड वेंट्रे जो है ये अपॉइंट हुए हैं अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। रिचर्ड वेंट्रे ये अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने हैं, ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है, ये सब भी कल की न्यूज है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अनीता प्रवीण ये क्या बन गई है, अनीता प्रवीण अपॉइंट हुई है एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो अनीता प्रवीण एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, एक पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया है, तो ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बात करें तो विस्तारा के चीफ कमर्शियल ऑफिसर संजीव कपूर हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। विस्तारा एयरलाइन के चीफ कमर्शियल ऑफिसर संजीव कपूर ने अपने पोस्ट से रिजाइन दे दिया है। कल हम लोग पढ़ चुके हैं अंकुर गर्ग के बारे में, अंकुर गर्ग अपॉइंट हुए हैं चीफ कमर्शियल ऑफिसर ऑफ एयर एशिया इंडिया, याद करिए कल हमने पढ़ा था। और देख लीजिए टीवी सोमनाथन इज अपॉइंटेड एज द एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। टीवी सोमनाथन ये क्या बने हैं, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और देखिए रवि मित्तल इज अपॉइंटेड एज द न्यू इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी। कल हम लोग ये बात कर चुके हैं रवि मित्तल की, रवि मित्तल वाला पॉइंट कल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए अमित खरे, कल हम लोग ये भी बात कर चुके हैं, अमित खरे ये अपॉइंट हुए हैं न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, कल ये भी बात कर चुके हैं। विकास स्वरूप इज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी वेस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके पहले ये क्या थे, एडवाइजर थे, अभी ये सेक्रेटरी बन गए हैं। और देखिए सी सुगनद राजाराम ये क्या बने हैं, ये इंडिया के हाई कमिश्नर बने हैं रिपब्लिक ऑफ घाना, ठीक है। तो राजाराम जी को देख लीजिए। और सुनील शेट्टी अपॉइंट हुए हैं नाडा के ब्रांड एंबेसडर, लास्ट पॉइंट है, वो भी हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। अनुरंजिता कुमार एमडी एंड हेड ऑफ एचआर एट द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हैज अनाउंस हर एग्जिट फ्रॉम द यूके बैंक, मतलब यूके का बैंक था ये रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। तो एचआर की पोस्ट पे काम कर रही थी, एमडी भी थी अनुरंजिता कुमार, इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है। रिपु दमन बेवली इज अपॉइंटेड एज द प्लॉगिंग एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। के विजय कुमार इज अपॉइंटेड एज द सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर इन द होम मिनिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, के विजय कुमार ये सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए होम सेक्रेटरी में। तो पूरी लिस्ट है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा बेटा, इसे याद कर लीजिएगा, अगर मैं सारे पॉइंट बोलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो पूरी दिसंबर की अपॉइंटमेंट की लिस्ट मैंने आपको यहां पर दे दी है, पूरी लिस्ट यहां पर, ठीक है, याद कर लीजिएगा आराम से। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रिपोर्ट और इंडिसेस की, ठीक। तो अभी हम क्या बात करेंगे, रिपोर्ट और इंडिसेस की। रिपोर्ट और इंडिसेस में कौन कौन से पॉइंट हमको पढ़ने हैं, तो कल आपने मेरा यूट्यूब पर मेरे अपने चैनल पे ये वीडियो देख ही लिया होगा। तो इंडिया रैंक 112, भारत को 112वीं रैंक मिली है इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020, और आइसलैंड ने टॉप किया। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक अपनी लिस्ट निकाली है, एक अपना इंडेक्स निकाला है, रिपोर्ट निकाली है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसमें भारत को 112वीं रैंक मिली है और टॉप किया है आइसलैंड। देखिए इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट का नाम क्या है, रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। अब क्वेश्चन यह बन सकता है कि इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया, तो इस रिपोर्ट को रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। टोटल कंट्रीज 153, 153rd, टोटल 153rd कंट्री पर यह सर्वे किया गया, और इस सर्वे में आइसलैंड ने टॉप किया। तो देख लीजिए सारे पॉइंट को टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको यहां पे समझा दिया। और आगे बढ़े, सबसे लास्ट कंट्री कौन सी है, यमन, और भारत की रैंक 112वीं, जेंडर गैप, मेल फीमेल के बीच में गैप, ठीक है। तो 112वें नंबर पर भारत है, तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लर्न करना है। और साथ ही साथ गाइस अगर बात करें तो इंडियाज रैंक इन इंपॉर्टेंट इंडिसेस,
तो अभी नियर अबाउट एक दो महीने में जो भी नए इंडेक्सेस आए उसमें भारत की रैंक कितनी है आइए देखते हैं। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया रैंक 9th इन द 2019 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। भारत को 9वीं रैंक मिली है इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और देखिए, इंडिया रैंक 129 इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत को 129वीं रैंक मिली है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इंडिया रैंक 5th, भारत को 5वीं रैंक मिली है इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क, ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है और ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो परफॉर्मेंस में 9वें नंबर पे है भारत और रिस्क में 5वें नंबर पे है भारत, याद रखिएगा। इंडिया स्टैंड एज 5th वर्स्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ बायोमेट्रिक यूज। इंडिया रैंक 73 इन द ई कॉमर्स इंडेक्स। मुकेश अंबानी 9वें नंबर पे है रिचेस्ट पर्सन में। इंडिया रैंक 44th इन द नोमुरा फूड वैल्यूनेबिलिटी इंडेक्स। इंडिया रैंक 59 इन द IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। इंडिया रैंक 78 रैंक मिली है भारत को इन द ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स। ठीक है, तो ये कुछ इंडेक्स है, आप लोग आराम से याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स की। इंटरनेशनल अफेयर्स में सबसे चौंकाने वाली न्यूज आई है कल पाकिस्तान से, और परवेज मुशर्रफ जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ रह चुके हैं, उनको मौत की सजा मिल गई है, उनको फांसी की सजा मिल गई है। तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह मामले में मौत की सजा। भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो एक्चुअली में पाकिस्तान में दो सरकार चलती, एक चलती है वहां की पॉलिटिकल चुनी हुई डेमोक्रेटिक सरकार और एक चलती है वहां की डीप स्टेट। डीप स्टेट का मतलब पाकिस्तान को चलाता कौन है, वहां का डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट। सच्चाई है, प्रधानमंत्री तो केवल नाम मात्र का चेहरा होता है, वहां पर मेन कौन होता है, वही आर्मी चीफ होते हैं मेन। देखिए, तो परवेज मुशर्रफ की बात करें तो इनको क्या क्या सजा मिली, देखिए। तो पाकिस्तान के फॉर्मर मिलिट्री रूलर एंड प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ हैज बीन सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन अ हाई प्रोफाइल ट्रेजर केस बाय अ स्पेशल कोर्ट इन इस्लामाबाद बाय अ स्पेशल कोर्ट ऑन दिसंबर 17, मतलब कल की बात है। तो इनको देशद्रोह के मामले में इनको मतलब ये सजा मिली है, मौत की सजा मिली है। आइए और देखते हैं। तो तीन मेंबर की बेंच थी। इन तीन मेंबर में जज कौन कौन थे, तो एक थे वकार अहमद सेठ, एक थे नजर अकबर और एक थे शाहिद करीम, नजर अकबर और वकार अहमद। तो इन तीनों जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है कि भाई मुशर्रफ जो थे ये पाकिस्तान की संविधान को नहीं माना, इन्होंने देशद्रोह काम किया, इनको मौत की सजा हो गई है। देखिए यहां पर तो क्या बोला गया है कि ये 76 ईयर ओल्ड मतलब मुशर्रफ के बारे में बोला गया कि इन्होंने सस्पेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने छेड़छाड़ की एंड इम्पोजिंग इमरजेंसी रूल इन 2007, इन्होंने इमरजेंसी रूल लगा दिया एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड 10th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अ पनिशेबल ऑफेंस फॉर विच ही वॉज इंडिक्टेड इन 2014। तो कहने का मतलब यही है, सिंपल सी बात है, नवाज शरीफ को जेल में रख रखा है, परवेज मुशर्रफ को फांसी पे चढ़ाना है, ये सब पाकिस्तान में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है जी। तो ये हमारा, हाँ, पेशावर हाईकोर्ट देख लीजिए ना, लिखा हुआ है पेशावर हाईकोर्ट, ठीक। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं गाइस और अवार्ड एंड ऑनर की बात करेंगे। अवार्ड एंड ऑनर में कौन कौन से पॉइंट हैं, आइए उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अवार्ड एंड ऑनर में हम लोग बात करेंगे अमिताभ बागची की। तो अमिताभ बागची विंस 2019 DSC प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर। अमिताभ बागची ने दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए 2019 का DSC पुरस्कार जीता। ये नेपाल के लोग लग रहे हैं, मतलब कि ये अवार्ड इनको नेपाल में दिया गया, अमिताभ बागची। आइए देखते हैं। तो ऑथर अमिताभ बागची हैज वॉन, अमिताभ बागची ने जीता है DSC प्राइज फॉर साउथ एशिया लिटरेचर 2019। तो अवार्ड का नाम क्या है, DSC प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर 2019 फॉर हिज नॉवल Half of the night is gone। तो अमिताभ बागची की एक नॉवल है Half the Night is Gone, इसके लिए इनको DSC प्राइज फॉर साउथ एशिया लिटरेचर 2019 का अवार्ड मिला। बागची का ये तीसरा नॉवल था, ये भी देख लीजिए, ठीक। द विनर फॉर दिस ईयर DSC प्राइज वॉज अनाउंस एट द
आईएमई नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल इन नेपाल। तो बेसिकली नेपाल में अभी आईएमई नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा था, वहां पर इस अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ कि डीएससी प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर अमिताभ बागची को मिलेगा फॉर हिज नॉवल हाफ द नाइट इज गॉन। तो थर्ड नॉवल थी ये बागची की, और ऑथर अमिताभ बागची वॉज हैंडेड ओवर द प्राइज बाई नेपाल फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्यावली। तो प्रदीप ग्यावली जो है ये नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके हाथों से अमिताभ बागची को ये अवार्ड दिया जाएगा। तो अवार्ड एंड ऑनर में हम बात कर रहे थे, आपको हमने नाम बता दिया। अब आगे बढ़ेंगे, बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी की बात करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोल दिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई से बोल दिया है कि यूपीआई के लिए अब आप एक सब्सिडरी कंपनी बनाइए। मतलब मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली, मैं यूपीआई हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे आप लोग गूगल पे यूज कर रहे हो या फिर फोन पे यूज कर रहे हो, तो हम इंडियंस को पता ही नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी केवल और केवल इंडिया में है। यूपीआई मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे आप अकाउंट टू अकाउंट फंड ट्रांसफर भी कर लीजिए, शॉपिंग भी कर लीजिए। शॉपिंग के भी अलग अलग मेथड हैं, आप चाहे तो बारकोड स्कैन करें, आप चाहे डायरेक्टली फंड ट्रांसफर करें, पुश पुल, बहुत सारी चीजें। तो ये इंडिया में ही था और ये किसी देश में ऐसा कोई एप्लीकेशन है ही नहीं है, ये रियलिटी है। तो अभी गूगल पे ने इंडिया में, गूगल पे इंडिया में आए, उसने देखा कि यार ये एप्लीकेशन बढ़िया है, तो अभी गूगल पे ने यूएस के फेडरल रिजर्व को रिकमेंड किया है कि ऐसा ही प्लेटफॉर्म हमारे देश में होना चाहिए। तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह बात समझ में आई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि अब हम एक कंपनी बनाएंगे और वो कंपनी यूपीआई की टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेगी फॉरेन कंट्रीज को, हम बेचेंगे ये टेक्नोलॉजी। जब ये टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है तो उसे बेचना चाहिए। देखिए तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की हम बात कर रहे हैं, जो कि 2016 में आया था, ठीक, हम उसकी बात कर रहे हैं। बेस्ड ऑन इट्स परफॉर्मेंस, यूपीआई के परफॉर्मेंस को देखते हुए गूगल ने फेडरल, यूएस फेडरल रिजर्व बोर्ड को एक बात बोली है कि यूएस में फेड नाउ एक नई टेक्नोलॉजी आएगी जो कि यूपीआई की तरह, मतलब यूपीआई का सब्स्टिट्यूट होगा। तो गूगल यूएस में फेड नाउ शुरू करने वाला है। तो यह बात जब आरबीआई को पता चली तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है एनपीसीआई से कि हमें एक कंपनी बनानी चाहिए जो कि यूपीआई यूपीआई को एक्सपोर्ट करे, जब ये इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है। तो गाइज ये वाला पॉइंट देखिए, तो ये मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट को समझने वाली बात है। केवल इन नवंबर 2019 देयर वेयर 1 बिलियन ट्रांजेक्शन थ्रू यूपीआई। नवंबर में 1 बिलियन का ट्रांजेक्शन, 1 बिलियन ट्रांजेक्शन हुए, 1 बिलियन ट्रांजेक्शन हुए यूपीआई प्लेटफॉर्म से। राइट नाउ यूपीआई में 140 मेंबर बैंक हैं, यूपीआई के 140 मेंबर बैंक हैं, और हमारे देश में जो यूपीआई होता है उसमें सबसे ज्यादा गूगल पे का शेयर है 35%, दूसरे और तीसरे नंबर पे फोन पे और पेटीएम है जिनका 16% का शेयर है। यानी गूगल पे का 35% मार्केट शेयर है यूपीआई मार्केट में, ठीक है। देखिए तो आई थिंक आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर यूपीआई की बात करें गाइस, तो अभी यूपीआई का कौन सा वर्जन चल रहा है? अभी यूपीआई का 2.0 वर्जन चल रहा है, जिसमें अगर हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन लिमिट की, तो ट्रांजेक्शन लिमिट 2 लाख कर दी गई है। भीम और यूपीआई में डिफरेंस है, भीम की लिमिट 1 लाख है, यूपीआई की 2 लाख रुपए लिमिट है, याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, एक्साइलाइट की बात करते हैं। तो अभी फॉर्च्यून इंडिया ने 500 लिस्ट निकाली है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को पीछे छोड़ दिया है और भारत की नंबर एक कंपनी बन गई है। तो फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट 2019, रिलायंस इंडस्ट्रीज सरपासेस आईओसी टू रैंक एट नंबर 1। देख लीजिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टॉप द लिस्ट सरपासिंग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन विच रैंक एज इंडिया लार्जेस्ट कंपनी। भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है किस लिस्ट में? फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट ऑफ द 10 ईयर, ठीक है। तो इसमें रिलायंस नंबर एक कंपनी बन गई है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नंबर 2 की कंपनी बन गई है। देखिए तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नंबर 2 पर है, और ओएनजीसी की बात करें, ओएनजीसी नंबर 3 पर यहां पर है, चौथे नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, चौथे नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, देख लीजिए पॉइंट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज द टॉप रैंक बैंक इन द लिस्ट विथ इट्स रैंकिंग एट 4th, ये दिया अभी यहां पर, एसबीआई चौथे नंबर पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग नेम्स दीपक पुनिया एज जूनियर रेसलर ऑफ द ईयर 2019। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने दीपक पुनिया को जूनियर पहलवान के रूप में नाम इनका लिया है। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग नेम्स दीपक पुनिया एज जूनियर रेसलर ऑफ द ईयर 2019।
तो वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता दीपक पुनिया ने, इनको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। दीपक पुनिया पहले इंडियन बन गए हैं सिंस 2001, 2001 के बाद दीपक पुनिया ऐसे पहले रेसलर बने हैं जिन्होंने यह खिताब जीता है। तो गाइस जैसा मैं आपसे बोल रहा था कि थोड़ा टाइम नहीं मिला कल लगातार 12 बजे तक रात में क्लास थी, उसके बाद हो नहीं पाया उतना, तो उतनी इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट नहीं कर पाया। आइए एमसीक्यूज की बात करते हैं, आई होप कि आप लोग ये बात मेरी समझेंगे और मेरे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन, इन 2019 इंडिया सेलिब्रेट द विच विजय दिवस, तो 16 दिसंबर को तो अभी एक ऑप्शन ये था कि क्लास ना लूं, लेकिन अब क्लास नहीं लें तो ये भी नहीं हो सकता। और बहुत हंसी आ रही है अंशुल तुम्हें यार, इसका आंसर होगा 48, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नहीं यार सही में सच्चा, आप जो लोग प्लस प्लेटफॉर्म पे थे वो जानते ही होंगे, तो अब उसमें झूठ क्या बोलना है, इसमें मैं झूठ नहीं बोलता हूं भाई, नहीं हो पाया। नेक्स्ट पॉइंट, नुआर थाई हैज रिसेंटली बीन एडेड टू द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, व्हाट इज द नुआर थाई। तो कल हम लोग गाइस पढ़े हैं इसके बारे में, जी हाँ ये एक मसाज है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, स्विसो फ्रंटियर इज वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन करियर शिप लॉन्च बाई विच कंट्री, तो किस कंट्री ने लॉन्च किया ये आपसे पूछा गया है, कल हम लोगों ने पढ़ा था इस पॉइंट को। गुड मॉर्निंग, आंसर इज जापान, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल गंगा काउंसिल वॉज हेल्ड इन विच सिटी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल गंगा काउंसिल कहां पर हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने इसे लीड किया, हम लोगों ने कल इसे भी पढ़ा है। अच्छा सिर नहीं, आंसर इज कानपुर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेम द विनर ऑफ 2019 बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला, हम लोग कल बात कर चुके हैं इस पर भी। And Ben Stokes, option number D is right answer. The Ministry of Coal has decided to set up a sustainable development cell to promote sustainable coal mining. Who is the union minister in the Ministry of Coal? Pura question dhyan se padhiyega. Ministry of Coal has decided to set up a sustainable development cell to promote sustainable coal mining. Who is the union minister in the Ministry of Coal? और इसका आंसर क्या होगा, प्रहलाद जोशी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हु हैज वन द मैन सिंगल टाइटल एट द 2019 BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स, वर्ल्ड टूर फाइनल्स चाइना में हुआ, कल हम लोग बात कर चुके हैं, यहां पे मैन सिंगल पूछा है, आंसर क्या होगा। और इसका आंसर होगा केंटो मोमोटा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गीता सिद्धार्थ हु डाइड रिसेंटली वॉज अ वेल नोन, तो गीता सिद्धार्थ जिनका भी निधन हो गया वो किस रूप में प्रख्यात थी ये आपसे पूछा गया, कल हम लोग बात कर चुके हैं। शोले मूवी हो गई, बहुत सारी मूवी की हमने बात की थी, ये एक क्या थी, ये एक एक्ट्रेस थी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सिंगर नहीं थी प्रोफेसर, एक्टर थी, एक्ट्रेस थी मतलब। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज बीन कमिटेड बाई इंडियन गवर्नमेंट फॉर 2015-20 to five states through which Ganga passes to ensure adequate as well as uninterrupted water flow in the river. What is the answer? क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 20,000 करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेम द जमैकन गर्ल हु वॉज अनाउंस एज द विनर ऑफ द मिस वर्ल्ड 2019 ब्यूटी प्रेगनेंट हिल्ड एट द एक्सेल लंडन, तो हम लोगों को पता ही है इसके बारे में क्या इनका नाम है ना, लंदन में ये इवेंट हुआ, ये याद रखना जरूरी है। और ये कौन है, तो ये तो सब लोग बता लेंगे, इसका आंसर है टोनी एन सिंह, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जी हां। नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ल्ड डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल सेट टू लॉन्च इट्स न्यू ग्लोबल प्रोग्राम वर्ल्ड डिजाइन प्रोटोपोलिस इन विच सिटी, ये भी हम लोग कल बात कर चुके हैं,
और सही आंसर आप लोग दे लेंगे मुझे मालूम है। इंडियन ओरिजिन इनके पापा थे, जमैका बेसिकली इनकी मदर, एंड द आंसर इज बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, बेंगलुरु हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, थ्री टाइम ओलंपिक मिडिल डिस्टेंस चैंपियन पीटर स्नेल पास्ड अवे रिसेंटली, ही बिलोंग टू विच कंट्री। तीन बार के ओलंपिक मिडिल डिस्टेंस चैंपियन पीटर स्नेल का निधन हो गया, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये आपसे पूछा गया। कल हमने ये पढ़ा नहीं था, हमने इसे आज एमसीक्यू में कवर कर लिया है, और ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विच प्लेस होस्टेड अ कॉन्फ्रेंस ऑफ 46 हेड ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग इन सेवरल फील्ड। तो गाइस कल हम लोग बात किए थे इस पॉइंट पर, कल एक्स्ट्रा हाईलाइट में ये पॉइंट था, तो कहां पे ये होस्ट हुआ, राजभवन नहीं अरविंद, राष्ट्रपति भवन ना जी, अच्छा वही बोल रहे हो, ठीक है, राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो राष्ट्रपति भवन इज राइट आंसर, कल हम लोग बात इस पर किए। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर वॉज द इंटरनेशनल सेमिनार ऑन क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज हेल्थ। तो ये भी इंफॉर्मेशन हम कवर नहीं कर पाए थे, एमसीक्यू में हम कर ले रहे हैं। तो बिम्स्टेक कंट्री का स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम मतलब सेमिनार एक हुआ था ऑन क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम फॉर बिम्स्टेक कंट्री, ये कहां पर हुआ, वी हैव फाइव ऑप्शंस, और आप लोग बोल रहे हो न्यू दिल्ली, एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली इंडिया, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। नेम द डिसीज्ड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हु सर्व अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इन द ईयर 1999। मतलब कि निधन हो गया है पूर्व यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ये थे, और इनका नाम आपको बताना है, मतलब ये पॉलिटिशियन है, ये भी याद रखिएगा इस तरह से। ईश्वर अंशुल बोल रहे हैं, ईश्वर अरविंद बोल रहे हैं, आईडी ईश्वर दयाल, अरे बाप रे बाप, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ईश्वर दयाल स्वामी, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ BWF मींस बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल 2019, और ये आपको बताना है, वही जो अभी कैंटो मोटा वाली बात हम लोग कर रहे थे, ये कहां पर हुआ, तो देख लीजिए आंसर क्या होगा। एंड द आंसर इज गंगझाओ चाइना, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। आबिद अली बिकेम द फर्स्ट टू स्कोर 100 ऑन बोथ टेस्ट एंड ओडीआई डेब्यू फॉर्मेट, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, कल हम लोग बात इसमें कर चुके हैं, नाम से ही मालूम चल रहा है, अब न्यूजीलैंड के ये होंगे नहीं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के होंगे नहीं, बचा कौन, पाकिस्तान, तो इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट में ये कारनामा, ये इन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट में ये कारनामा किया टेस्ट में, पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। सुमन रतन सिंह राव यानी सुमन राव ऑफ इंडिया हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड एशिया 2019, शी बिलोंग्स टू विच स्टेट, मतलब कि मिस वर्ल्ड टाइटल में ये तीसरे नंबर पे रही, इन्हें मिस वर्ल्ड एशिया खिताब मिला, ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, ये आपसे पूछा गया और ये आपको पता भी है, जी हाँ ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। तो गाइज आई एम रियली सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अभी हम लोग किस सेशन में, हम लोग मिलेंगे अभी 9:30 पे, वहां पे धमाल मचाएंगे, और क्लैरिकल मेंस की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, कल से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, AM लाइव कोड के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, और हमारे चैनल पे आने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।